नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान भी अब सामने आने लगे हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में अभी पोस्टल बैलेट की गिनती भी शामिल है और पूरी तरह से ईवीएम के रुझान आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। शुरुआत में बिहार में आए रुझानों में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। एनडीटीवी के मुताबिक रुझानों में जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी का एनडीए 105 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं 117 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। 7 सीटों पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आगे चल रही है तो वहीं 6 सीट पर अन्य दल आगे चल रहे हैं। बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए की कांटेदार जंग देखने को मिली है। आज का जनादेश बिहार में पिछले 15 साल की नीतीश कुमार सरकार पर लोगों का फैसला तो होगा ही, बिहार की राजनीति के लिए भी एक खास संदेश लेकर आएगा, क्योंकि बिहार में राजनीति के एक ढलती पीढ़ी को नई पीढ़ी ने सीधी चुनौती दी है और जनता को नए पुराने के बीच अपना आगे का भविष्य चुनना है। इस चुनाव के परिणाम राज्य में नीतीश कुमार सरकार का भविष्य तय करेंगे। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। शुरुआती रुझान में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन और नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार को 31 साल के युवा तेजस्वी यादव सीधी टक्कर दे रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल के रुझान बदलाव के संकेत दे रहे हैं। बता दें कि ज्यादातर एग्जिट पोल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 दलों के महागठबंधन को जीत हासिल होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बिहार में कांटे की टक्कर में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला आरजेडी का महागठबंधन बीजेपी जेडीयू वाले एनडीए महागठबंधन के मुकाबले आगे दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव महागठबंधन को सबसे ज्यादा 128 सीटें, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 99 और एलजेपी को 6 और अन्य को एग्जिट पोल में 10 सीटें मिल सकती हैं, इस तरीके का अनुमान लगाया गया है। बिहार में हालांकि 243 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 122 है। अब देखना यह होगा कि आज बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।